हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर है, आईटीआर 4 इंटरडे ट्रेडिंग एंड एफएनओ ट्रेडिंग। इनकम टैक्स में आईटीआर 4 को आप कैसे फाइल करेंगे अगर आपकी इंटरडे ट्रेडिंग है या एफएनओ ट्रेडिंग है। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी जो है माइनर्स अमाउंट है तो हम क्या इसको आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं। तो हाँ, आप इसको आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर आईटीआर 4 डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको फाइल करनी है, इंटरडे ट्रेडिंग आपकी हो या एफएनओ ट्रेडिंग हो। साथ में आईटीआर 4 फाइल करने पर आपको बाद में क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी यहाँ पर एक बार देख लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार जो है यहाँ पर 44AD में जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर जो है 44AD में आईटीआर फाइल करने की लिमिट 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी, अब यहाँ पर 3 करोड़ हैं वो SSC जिनके 5% से कम ग्रोस रिसीट्स है। तो इंटरडे ट्रेडिंग और एफएनओ करने वाले के केस में तो यहाँ पर जो है कैश एक्सपेंस कुछ होते नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है, अकाउंट है, अकाउंट 4 है, तो वो आईटीआर 4 में जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है पहले अपने पैन कार्ड के थ्रू, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। आईटीआर 4 जो है सिंपल फॉर्म है लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। न्यू स्टार्ट फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट में आपको सबसे पहले अपने AIS 26AS को डाउनलोड करना है। AIS यहाँ से आता है, 26AS आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। व्यू 26AS पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपको ये ओपन करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, करंट एडजस्टमेंट ईयर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर AIS और 26AS आपको चेक कर लेना है। आपकी सैलरी इनकम आ रही हो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है वो भी, अदर जैसे FD के इंटरेस्ट या कुछ डिविडेंड इनकम है वो भी आईटीआर 4 में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फिर आप आईटीआर 4 में नहीं जा सकते, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है जिस भी ब्रोकर के थ्रू उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। इस तरीके की यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इस तरीके की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। इस केस में देखिए यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी है तो यहाँ पर जो है आईटीआर 4 नहीं भर सकते। हाँ, आपका केवल इंटरडे एफएनओ ट्रेडिंग है तो उस केस में आप आईटीआर 4 में जा सकते हैं। और सिंपल सा रूल है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपेंस अलग से क्लेम करनी नहीं है, बैलेंस शीट कुछ बनानी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इस केस में एक पॉज लेते हुए यहाँ पर 2 मिनट मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस बार क्या है, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम है। मैंने लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया है, टैक्सेबल इनकम मोर देन, पहला ऑप्शन लेना है जहाँ पर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो भी आप ये आईटीआर नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनकम तो दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ है। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में ध्यान से समझिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपकी जो है फ्लैट 7 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन उसके ऊपर आपको 80C 80D काफ़ी सारे एक्सपेंस है जो कि अलाउ कर दिए जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम लेनी है। माय प्रोफाइल जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, इसी के अंडर में डिटेल्स आती है, मैं भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके हिसाब से सेलेक्ट करिएगा ओल्ड और न्यू, ये आपको खुद से सेलेक्ट करना है, आपको जिसमें कम टैक्स आ रहा होगा वो आप लेंगे, ठीक है। अगर आपकी सैलरी की इनकम भी है तो यहाँ पर अदर्स लेंगे, नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो करके प्रोसीड कर देंगे। और ऐसे काफ़ी सारे SSC होंगे जिनकी इंटरडे से या एफएनओ ट्रेडिंग से जो टर्नओवर होगी वो कम आ रही होगी। ये देखिए इस बार जो है यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपकी जो है बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम है, नो पर यहाँ पर आएगा। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो ओल्ड में विद इन ड्यू डेट 31 जुलाई से पहले कर रहे होंगे तो ये वाला ऑप्शन लेना है, उसके बाद कर रहे होंगे तो ये वाला। एक फॉर्म है 10IA वो भरना पड़ेगा, 10IA के लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, वो एक बार देख लीजिएगा। उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं भरनी होती है, बस CSS करते आगे प्रोसीड करना है, वो आपसे कन्फर्म किया जाता है कि आपकी बिजनेस इनकम है। नोट कर लीजिए आईटीआर 3 और 4 के केस में ये जरूरी है जब आप ओल्ड में जा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका डाउट खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर नो करना है रिप्रेजेंटेटिव में, देन उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अब हम यहाँ पर जो है ग्रोस टोटल इनकम भरेंगे। ग्रोस टोटल इनकम के केस में जो है इंटरडे हो या एफएनओ ट्रेडिंग हो, इसके केस में आईटीआर 4 तो यहाँ पर जो है हर एक्टिविटी के लिए जो है फाइल करना काफ़ी आसान है। इसमें देखिए सैलरी की इनकम आ जाएगी आपकी,
हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ जाता है। बिजनेस या प्रोफेशन जो कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग या एफएनओ के लिए भी फाइल करने वाले हैं। अदर सोर्स की इनकम जैसे कि आपका बैंक के इंटरेस्ट आ रहे होंगे, कोई डिविडेंड इनकम अगर आ रही होगी वो, ठीक है। लेकिन कैपिटल गेन आ रहे होंगे तो फिर आप ये फाइल नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर जो है आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका नेम ऑफ बिजनेस है, जैसे आपका खुद का पर्सनल नेम है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर बिजनेस कोड, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कवर हो जाएगा आपको। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पर सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ऐड पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और बिजनेस भी है, देखिए अगर आपका कोई और बिजनेस भी यहाँ पर है तो भी आप वन बाय वन करके यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है इसके जो कोड है वो, जैसे जो भी एक्टिविटी का कोड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका जो बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर देना है, और जितने आपके बिजनेस है सबके लिए आपको टोटल वैल्यू यहाँ पर ही देनी है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं भी फिलहाल ये दोनों बिजनेस यहाँ से हटा रहा हूँ। केवल हम यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। सेक्शन 44AD, इस केस में मैंने आपको बताया 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है, तो आपके लिए 3 करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 3 करोड़ का 6% यानी कि 18 लाख रुपए होते हैं, तो फिर आपको 18 लाख पर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। हाँ, आपकी जैसे टर्नओवर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एफएनओ ट्रेडिंग या इंट्राडे जो है वो 1 करोड़ 5 लाख है, मैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए का यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका हम 6% ले लेते हैं, ठीक है। तो 6% में हमारा, क्योंकि ये मेरी एक्टिविटी है, सब मेरी बैंक से होती है, इसमें तो कैश मोड का कोई मतलब ही नहीं है, 6% में यहाँ पर वैल्यू लेकर चलूंगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो है 6,30,000 आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको, अगर हम मैं यहाँ पर और थोड़ा इसको इंक्रीज करते हुए ले लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर लगा कर चलेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख रुपए की अगर मैं आईटीआर भरता हूँ तो उस केस में मैं जो है 1,16,66,667 रुपये, इतने रुपए तक की टर्नओवर दिखाते हुए 7 लाख का प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। मोटा मोटी 1,15,00,000 रुपये आप मान सकते हैं। तो वो जो SSC हैं, अगर उनकी 1,15,00,000 तक की है टर्नओवर, तब तो उनको ये है कि चलो 7 लाख रुपए तक आ रहा है, कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन इससे ऊपर, क्योंकि फॉर्म तो आपको 3 करोड़ तक अलाउड करेगा, तो इससे ऊपर आप जब वैल्यू डालेंगे उसका 6% निकालेंगे, उसके अलावा आपके हो सकता है अदर बिजनेस भी हो, तो थोड़ा यहाँ पर टैक्स बनेगा। तो फिर टैक्स आपको भरते हुए अपनी ITR को फाइल करना है। हाँ, अब इसकी रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिएगा। सेक्शन 44AD के जो प्रोविजंस हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है, एक बार आपने इसको ओप्ट कर लिया तो 5 ईयर्स तक आपको फिर इसी के अंडर में कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाते हुए ITR भरनी पड़ेगी। तो इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आप 5 साल से पहले बाहर जाना चाहेंगे फिर आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ सकती है। वैसे टैक्स ऑडिट के अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो आप नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू अगर फाइल करते हैं, जैसे आप ITR 3 में जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो आप दिखा सकते हैं। तो 10 करोड़ तक की ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, 10 करोड़ तक भी कोई ऑडिट नहीं करवाना है, उससे ऊपर रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेकिन जैसे आपने 44AD में भरा, अगले साल आपकी टर्नओवर हो गई 4 करोड़, अब 4 करोड़ का है तो 6% दिखाओ, अगर 6% नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। बस ये इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको यह है कि आप हर साल तक बस 1 करोड़ तक ही आपका है, कि आप 1 करोड़ तक ही करते हैं और कोई और काम नहीं करते हैं, कोई और बिजनेस नहीं है, FNO ट्रेडिंग एंड ट्रेड आपका 1 करोड़ में आ जाता है, तो उसमें आप सेफ रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई टैक्स आपको भरना नहीं है, बुक्स अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस शीट आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी 1 करोड़ से बढ़ के, मतलब 1,15,00,000 से ज़्यादा जैसे जा रही है, तो उस केस में फिर आपके टैक्स आते चले जाएंगे। टैक्स जो है स्लैब के हिसाब से लगेगा आपको, तो अगर आप टैक्स पे करने के लिए रेडी हैं तो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आईटीआर के लॉस भी नहीं जाता, तो मैंने इसके लिए ITR 3 के लिए वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर आप 10 करोड़ रुपये तक का आपको नॉन ऑडिट, कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से अपनी ITR को भरें। FNO ट्रेडिंग कहाँ दिखाना है, इंट्राडे कहाँ दिखाना है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें तो दोनों यहीं पर दिखाते हुए इस तरीके से ITR भरनी होती है, बाकी और तो कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है अलग से, क्योंकि कोई एक्सपेंस आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, फ्लैट दिखाना होता है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, डिस्क्लोजर जो भी आपकी, मतलब आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है, वो भी मैंडेटरी नहीं है। जो फील्ड्स हैं बाकी, अगर आप जीरो करना चाहें जीरो कर दीजिएगा,
कैश बैलेंस आप दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें क्या है, एसेट और लाइबिलिटी आपको मैच नहीं कराने होते, लेकिन ITR 3 में जो है आपको एसेट और लाइबिलिटी जो है मैच कराने की फाइल करनी होती है। ठीक है, बस ये डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, मैं आपको पूरी एंड तक दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में कुछ मिलती नहीं है, तो ये भी अपना आप ही यहाँ पर ब्लॉक रहेगा आपका। हाँ, आपका जैसे कोई अगर टैक्स कटा हुआ है, TDS VDS अगर है आपका, वो जैसे आपने गाड़ी खरीदी है, TCS कट गया है, तो वो आप यहाँ पर रिफंड ले सकते हैं। सैलरी के केस में तो सैलरी का टैक्स होगा और जो आपका TDS कटा हुआ होगा प्लस जो आपने यहाँ पर इनकम दिखाई है दोनों को मिला के, क्योंकि हो सकता है हायर स्लैब में आप चले जाए उसके हिसाब से टैक्स आ जाएगा, तो आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे। ये टैक्स यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, इस तरीके से आपके TDS जो है वो सब यहाँ पर शो करेंगे। बस एक बार उनको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई, क्योंकि सैलरी के केस में यहाँ पर सैलरी का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, तो इसमें सैलरी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आराम से ये 50 लाख रुपए तक की नेट इनकम को कवर करता है, मतलब 50 लाख रुपए तक का अगर आप यहाँ पर जैसे सैलरी प्लस F&O ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ITR फाइल हो जाएगी। और ये जो प्रिजम्पटिव वाली ITR है, मतलब 44AD, ये ITR 3 में भी जा सकती है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ITR 4 में ही। मतलब ITR 4 सिंपल सा फॉर्म होता है, उस सीट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, फॉर्म आपका वैलिडेट हो जाएगा, बस OTP से वेरीफाई कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेट करके सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आधार OTP का ऑप्शन आएगा, उसको ही वेरीफाई कर दीजिएगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके ITRV को ये वाला ऑप्शन लेकर इसको CPC बैंगलोर भी भेज सकते हैं। 30 दिन का टाइम होता है ई वेरीफाई का भी, और यहाँ पर जो है 30 डेज के अंदर ही भेजना होता है। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो साथ के साथ आपका जो वेरीफिकेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे OTP वाला ऑप्शन, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार OTP जाएगा, आप वेरीफाई करा दीजिएगा, आपकी ITR फाइल हो जाएगी। व्यू फाइल रिटर्न पर आप इसको देख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 44AD में ITR फाइल करने में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज़्यादा आ रहा है F&O ट्रेडिंग इंट्रा डे से, तो एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट करना है। 6% जो है वो वहाँ पर मिनिमम दिया गया है, कम से कम 6% दिखाना है, उससे ऊपर जितना चाहे आप दिखा सकते हैं। तो एक्चुअल बेसिस में जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आपको दिखाना है, ताकि आपके अगर आगे फर्दर जो भी आपकी अमाउंट है जो आप एक्यूमुलेट कर रहे होंगे उसका मैच यहाँ पर हो सके। इधर लेटेस्ट वीडियो इसी टाइप के काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए सेपरेट वीडियोज अवेलेबल है। आप वीडियो देखिएगा, आपको 100% कुछ ना सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।